राजकुमार जी, एक बात मैं आपसे जरूर पूछना चाहूंगा। माननीय काशीराम साहब अपनी सेहत में बहुत बढ़िया थे और 15 मार्च 1934 को उनका जन्म हुआ था पंजाब के अंदर, लेकिन उनका रंग भी बड़ा गोरा चिट्टा था और बहुत हस्त पुष्ट भी थे, लेकिन उन्होंने शादी क्यों नहीं करी उसके बारे में बताएं। देखिए, जहाँ से हम शुरुआत करना चाहते थे आप फिर वहीं पर दोबारा ले आए। ये बात बहुत महत्वपूर्ण है कि माननीय काशीराम साहब को पूना में वो एक ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में इंजीनियर के रूप में, साइंटिस्ट के रूप में काम करते थे, यहाँ से हम सब लोग जानते हैं। लेकिन उनकी जो नेम प्लेट लगी हुई थी, वो नेम प्लेट उनकी वहाँ पे के आर रामदासी के नाम से लगी हुई थी। के आर रामदासी साइंटिस्ट के रूप में वहाँ पे लगे हुए थे, लेकिन जो एक घटना हुई, दीना भाना जी का नाम वहाँ पे आता है, वो जो घटना हुई, उस घटना में आप देखते हैं कि कुछ मनुवादी लोगों ने जो बाबा साहब के जन्मदिवस की छुट्टी है उसको ख़त्म करके और इधर उधर की चीज़ें करने का प्रयास किया, तो वहाँ पे एक लंबा संघर्ष हुआ। उस लंबे संघर्ष में माननीय काशीराम साहब को बहुत सारी चीज़ें समझ में आईं, उन्होंने कुछ किताबें पढ़ी और उसके बाद उन्हें लगा कि वास्तव में भारत के अंदर बहुजन समाज अभी स्वतंत्र नहीं है, बहुजन समाज को बहुत लड़ाई लड़नी है। उन्होंने 1964 में अपने आप को इस आंदोलन के लिए, उन्होंने कहा भी कि मैंने, मुझे वो जिंदगी का, मुझे वो मकसद मिल गया है जिसके लिए मैं अपना पूरा जीवन लगा दूंगा। वो मकसद क्या था? उन्होंने कहा कि ये मकसद फुले और अंबेडकर का आंदोलन है, इस आंदोलन को घर घर तक पहुंचाने के लिए मैं अपना पूरा जीवन लगा दूंगा। उस समय पे उनकी एंगेजमेंट हो गई थी, लेकिन उन्होंने अपनी मदर को एक लंबा जोड़ा, कहते हैं 24 पेज का एक पत्र लिखा। उस पत्र में कहा कि अब बहुजन समाज ही मेरा घर है, बहुजन समाज ही मेरा परिवार है, इसका दुख दर्द ही मेरा दुख दर्द है, अब मैं घर नहीं आऊँगा। उन्होंने कहा कि अब मैं लौट कर नहीं आऊँगा, जिस रास्ते पर मैं चल गया हूँ, जिस कारणों को लेकर मैं चल गया हूँ, अब मैं वापस नहीं आऊँगा। और उन्होंने कहा कि अब मैं शादी नहीं करूँगा, अपने घर नहीं जाऊँगा, अब मैं कोई संपत्ति नहीं बनाऊँगा, मैं किसी के साथ पर्सनल इमोशनल अटैचमेंट नहीं रखूँगा, बहुजन समाज का सुख दुख दर्द ही मेरा अपना सुख दुख दर्द है। और आप ताजुब करेंगे कि जब एक समय पे, शायद ये जालंधर की बात है, जालंधर में माननीय काशीराम साहब एक बड़ी रैली कर रहे थे, तो उनके फादर वहाँ पे आए, उन्होंने देखा कि मेरा लड़का इतना बड़ा व्यक्ति बन गया है, क्योंकि लाखों की संख्या में उनकी रैलियों में लोग जाते रहे हैं। तो उस समय पे जब इतनी बड़ी संख्या में लोगों को देखा, तो माननीय काशीराम साहब के फादर बहुत खुश हुए और कहते हैं कि उस समय पे उनको एक हार्ट अटैक हुआ, जिसकी वजह से उनकी मौत भी हो गई। और ये खबर माननीय साहब के पास तक पहुँची कि आपके फादर एक्सपायर हो गए हैं, आपको वहाँ पर जाना चाहिए। तो फिर काशीराम साहब ने कहा कि मेरा कोई फादर नहीं है, ये पूरा समाज जो है, मैं उस समाज के लिए कर रहा हूँ, हर समाज में, हर परिवार में रोज़ कोई ना कोई मरता, मैं कहाँ कहाँ इस तरीके से जाता फिरूंगा। और उस महान व्यक्ति ने अपने परिवार की उस समय पे विजिट नहीं किया। तो आप समझ सकते हैं कि कितना त्यागी व्यक्ति वो था, जिस, क्योंकि मान्यवर साहब अगर मान्यवर बने हैं काशीराम साहब, मैंने कहा कि के आर रामदासी थे, के आर रामदासी से वो काशीराम बने, जैसे कि पहले उनका नाम काशीराम था, काशीराम रामदासी, लेकिन अब उन्होंने कहा कि अब मैंने अपनी पूछ हटा दी है, अपनी पूछ के हटा दी कि रामदासी जो है वो पूछ कहा करते थे, कि मैंने अब अपनी पूछ हटा दी है और अब मैं दूसरों की पूछ के पीछे हूँ, मतलब अब मैं अब किसी जाति में विश्वास नहीं करूँगा, मेरी कोई जाति नहीं है और मैं दूसरों की जातियाँ भी खत्म करूँगा। और अपने नाम के साथ उनका नाम जो था काशीराम था, तो उसमें फिर उन्होंने एन भी लगाया, अंक की बिंदी भी लगाई, क्योंकि काशी के साथ आइडेंटिफाई नहीं होना चाहते थे वो। तो इस तरीके से उन्होंने अपने आप को समाज के लिए समर्पित कर दिया और पूरी जिंदगी उस प्रण को, उस संकल्प को जो उन्होंने 1964 में लिया, आखिर तक उन्होंने निभाया। आप जानते हैं कि माननीय काशीराम साहब के विरोध में बोलने वाला कोई व्यक्ति इस देश के अंदर नहीं है। कोई दुश्मन तो हो सकता है, लेकिन कोई तार्किक तरीके से, कोई तथ्यों के साथ उनकी बातों का, उनके विचारों का, उनकी रणनीतियों का विरोध नहीं कर सकता, क्योंकि एक व्यक्ति अगर चाहे तो अपने त्याग से, अपने बलिदान से, अपनी लगन से, अपनी मेहनत से इतिहास की दिशा मोड़ सकता है, नया इतिहास बना सकता है। माननीय काशीराम साहब का जो जीवन है, माननीय काशीराम साहब का जो जीवन संदेश है, वास्तव में वो हमें ये बताता है कि व्यक्ति बहुत महान होता है, और व्यक्ति जो है वो इतिहास
को अगर मोड़ नहीं सकता तो अपने द्वारा इतिहास की दिशा को जरूर मोड़ सकता है, इतिहास को नया रूप दे सकता है। एक व्यक्ति भी ये काम कर सकता है, एक व्यक्ति आगे बढ़ता है तो फिर हजारों लाखों लोग उनके साथ आते हैं। माननीय काशीराम साहब ने पूरे देश के अंदर साइकिल यात्राएँ की और बहुत सारे जागृति जत्थों के द्वारा अपने आंदोलन को बढ़ाया, और आज जानते हैं कि उन्होंने अगर शादी नहीं की, अपने परिवार को आगे नहीं बढ़ाया, लेकिन बहुत खुशी की बात है कि उनके विचार के करोड़ों लोग पूरी दुनिया के अंदर हैं, और वो आज माननीय काशीराम साहब का जो आंदोलन है, आंदोलन क्या है, वो आंदोलन के सामाजिक परिवर्तन और आर्थिक मुक्ति का आंदोलन है, उस आंदोलन के साथ लोग जुड़े हुए हैं और आगे बढ़ा रहे हैं। आप हमारे साथ हैं प्रोफेसर राजकुमार जी, हम आपको बोल रहे हैं, अगर आप कोई भी क्वेश्चन, आपको आज बहुत सारे लोग हमें लाइव देख रहे हैं, और प्रोफेसर राजकुमार जी से अगर आप कोई भी बात पूछना चाहते हैं तो बिल्कुल पूछ सकते हैं। हमारे कई सारे क्वेश्चनों का उन्होंने एक में जवाब दे दिया कि साहब काशी राम जी ने शादी क्यों नहीं की, उन्होंने अपनी धन संपत्ति क्यों नहीं जोड़ पाए, और उन्होंने अपना संपूर्ण जीवन बहुजन समाज को ही समर्पित क्यों कर दिया।